आज का जो वीडियो है बहुत ही कमाल का एवं इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप भी कुछ इस तरह से अपने फोटो पे शायरी लिख के लोगों को इम्प्रेस कैसे कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देना करते वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब, और वो आपको प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और जाना है सर्च बार में, एंड जाके यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है पिक्सल लैब। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली इस वाले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैं सिंपली यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये जो है न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो हमको सिंपली यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमको चार ऑप्शन मिलते हैं, चार क्यों पांच ऑप्शन मिलते हैं। तो हमारा मेन काम है यहाँ पे, मेन काम इन्हीं तीनों की वजह से, ये जो है ना ए और एक का चौकोर बना हुआ है, एक चतुर्भुज टाइप का बना है। तो हमारा जो काम है मेन इन्हीं तीनों पर है। तो हमको सिंपली ए पे क्लिक करना है। आपको तो पता होगा कि जो ए का सिंबल होता है वो टेक्स्ट का सिंबल होता है। तो हमको सिंपली ए पे क्लिक करके इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हमको सिंपली यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको थोड़ा सा इसको इधर इधर की राइट साइड को स्क्रॉल करना है। तो देखेंगे यहाँ पे कि एक फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आएगा। हमको सिंपली फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपने इस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस पर हमको शायरी लिखना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर इसको क्लिक मतलब अपने उस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे शायरी लिखना है। एक मैंने DSLR से फ़ोटो कैप्चर किया था, मैं उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा फ़ोटो है मेरा, मिलेगा तब ना ये बात है। मैं चलिए मैं कोई सा ये रहा शायद फ़ोटो, हाँ मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा फ़ोटो यहाँ पे अच्छी तरह से आ चुका है। अब क्या करना है, सेकंड काम मेरा यहाँ पे एक जो बीच में ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे सिर्फ इन तीनों में ही काम करना है। बस आप ध्यान देना कि मैं किसको टच कर रहा हूँ। मुझे अब सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, लाइक स्टिकर, इंपोर्ट, ड्रॉ, शेप। तो हमको आप सब आप इन सारे फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो, आपका दिमाग घूम जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है। हमको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से, मैंने अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोटो का या फिर कहें तो JPG फ़ोटो का लिंक दे दिया है, आप उसको डाउनलोड कर लेना है। और वो JPG फ़ोटो ये वाला है। ठीक है, आप इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना, फिर आपको यहाँ से नीचे से सेलेक्ट कर लेना है। देन इतना करने के बाद आपको इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, आप जहाँ भी शायरी लिखना चाहते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में एक इसको थोड़ा सा इधर आएंगे आप, छोड़िए उधर मत आइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का। ठीक है, आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, जितना अभी आपको शायरी लिखना है लंबा चौड़ा उस हिसाब से आपको कॉपी कर लेना है। मेरे को तीन लाइन का कॉपी सारी लिखना है, तो मेरे को सिंपली यहाँ से मैं तीन इसको कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फटाफट इसको सेट कर लेता हूँ, आप भी कुछ इस तरह से कर लेना। फिर आपका कुछ काम तो लगभग है नहीं, आपको फिर यहाँ से इसको सेट कर देना, ओके कर देना है। फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पे ए पे टेक्स्ट पे, क्योंकि मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड था वो तो मैंने ले लिया। अब मुझे टेक्स्ट पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट का, हमको सिंपली से क्लिक करके यहाँ पे फिर से यहाँ जो एक ऑप्शन दिखेगा एडिट का, कहाँ गया ये एडिट का, हमको सिंपली एडिट पे क्लिक करके जो भी मुझे शायरी लिखना है, मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ, मैं हिंदी में इसको टाइप करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से शायरी लिख लेता हूँ, आपको जो मन आप शायरी लिख लेना। तो मैं लिख लेता हूँ, मैं भी कितना पागल हूँ, हो गया पागल हूँ, मैं भी कितना पागल हूँ, इतना लिख के मैं सिंपली बीच में कोई सा भी ये थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए, फिर कहें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव के लिए एक स्टिकर लगा देता हूँ। पागल पागल, मैं चश्मा पहन लेता हूँ। ठीक है, मैं भी कितना पागल हूँ, मैं इसको इतना करके यहाँ पे इसको सेट कर दूँगा। और मैं जाऊँगा यहाँ पे फॉन्ट में, यहाँ पे आपको इसी के नीचे एक फॉन्ट मिल जाएगा, सिंपली फॉन्ट पे क्लिक करके मैं कोई सा भी एक फॉन्ट ले लूँगा। मैं अधिकतर यही वाला फॉन्ट यूज करता हूँ, मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। देन अब मुझे जाना है कलर में, मैं यहाँ से यहाँ पे आप देख लेना बहुत सारे मेरे को ऑप्शन मिल जाएंगे साइज का, कलर का, आप थोड़ा अपने हिसाब से समझ लेना। मैं सिंपली कलर पे क्लिक करूँगा, तो मेरे को अब यहाँ पे ध्यान देना कि कितना पार्ट को मेरे को मतलब कौन से कलर में करना है। तो मेरे को यहाँ पे मैं कितना, मेरे को इतना कलर मुझे रेड में लिखना है। ठीक है, मेरे को इतना रेड में लिखना है। देन और जो ये पागल हूँ मैं, इसको आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आधा को रेड एंड आधा को ब्लैक रखता हूँ, आप भी कर लेना। ठीक है, मैं इसको ब्लैक रखता हूँ।
इतना कर लेता हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को छोटा लग रहा है, तो मैं साइज में जाके थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूंगा यहाँ से। तो मैं इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पे प्यार से सेट कर दूंगा। अब देख पाएंगे कि मेरा ये जो शायरी है लमसम सेट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने इस बैकग्राउंड को यहाँ से ऐड करके यहाँ पे कुछ भी शायरी लिख सकते हो मेरी छोटी सी ट्रिक की मदद से। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी छोटी सी ट्रिक आपको कैसी लगी। थोड़ी सी भी अगर यूजफुल लगती है तो अपनी ओर से एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में कर लें बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरह की आगे से नई वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहेगी।